Okay, good morning once again. कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? बोलो यश सर, वो राइट वर्ड्स जो कांटेक्ट फोर्स आपने बताया था वो फ्रिक्शन है ना? हाँ, बट अभी उसको नाम नहीं देंगे। ओके सर। बोलो आयुष। आयुष हेलो सर। हाँ ध्रुव बोलो। ये सेकंड पॉइंट, ये नोट वाला सेकंड पॉइंट समझा दो ना। अरे हम राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव हमेशा ऐसा ले लेते थे, ठीक है? यहाँ पे वैसा नहीं लेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है। अगर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो लेफ्ट पॉजिटिव होगा, राइट में लग रहा है तो राइट पॉजिटिव होगा, ठीक है? ओके सर। ओके बोलो आयुष। नहीं अर्णव बोलो। सर अगर हम लोग वेक्टर कन्वेंशन से देखें तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर उसको मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारा फोर्स नीचे क्यों हो जाता है, मतलब रिवर्स क्यों हो जाता है? एक मिनट वापस बोलो। अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, हाँ, तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहना चाहिए, बट मास है ना हमारा कांस्टेंट, तो हाँ तो मास ठीक है, तो मास तो नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारे डायरेक्शन लाइक फोर्स उल्टा क्यों होता है? मेरे को प्रैक्टिकली नहीं समझा कहाँ पर उल्टा होता है। अपना सूडो फोर्स में। अरे वो तो इमेजिनरी है। हाँ बट लाइक एक्चुअली तो नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए ना, वो रूल्स ब्रेक कर रहा है ना। कहाँ कैसे रूल ब्रेक कर रहा है बच्चे? रिवर्स हो केस, मास नेगेटिव नहीं होगा तो रिवर्स नहीं हो सकता ना। फिर रिवर्स कैसे हो रहा है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में। आपने ऐसे कैसे सोचा कि ये रिवर्स हो रहा है? एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हो गया ना। नहीं, अगर एक्सेलरेशन हमारा राइट लेग पे, हम लोग का सूडो फोर्स नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव साइड पे। नहीं, पहली चीज ये सब कॉन्सेप्चुअली मैंने ये नहीं बताया। मैंने बताया एक्सेलरेशन राइट में लग रहा है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा। नो वन इज सेइंग राइट इज पॉजिटिव, नो वन इज सेइंग लेफ्ट इज नेगेटिव। आई एम जस्ट सेइंग अगर एक्सेलरेशन, सुनो तो सही मेरी बात, I'm just saying acceleration अगर right में है तो pseudo force left में लगेगा। Do you agree with this? Yes sir. अब हमने इसको क्यों कहा कि ये left में लगेगा? That is more important to me. पहली चीज़ मैंने इसको कहा imaginary force है, right? I am not able to explain the reason why it is acting. So I have taken help of a word imaginary. मैंने कहा कि ये imaginary होगा, इसका reason I don't know. फिर कहा गया कि अच्छा मैं खुद accelerate कर रहा हूँ इसलिए मैं लगा देता हूँ, ठीक है? Yes, तो वहां पे लगाया गया, फिर इसको ऑब्जर्व किया गया, तो वहां दिख रहा है कि यार ये हमेशा ही, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम के एफबीडी को कंपेयर करूं तो इनर्शियल फ्रेम में जो भी एफबीडी बन रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा ही एक एम इंटू ए का फैक्टर कम आ रहा है और उसका डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट आ रहा है, तो वहां से ये कमेंट किया गया। डायरेक्शन अपोजिट कैसे हो जाता है? अरे तो कह तो रहा हूँ, हम कैलकुलेट करते हैं नहीं आ रहा है, हमारा मैच ही नहीं हो रहा है। अब क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ है ना, मैं देख रहा हूँ वो रेस्ट पर है, मैं ऊपर जा रहा हूँ वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पे नहीं है, वो एक्चुअली है तो एक्सेलरेट कर रहा है ना। हाँ। तो मैंने रिलेटिवली, जब मैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपना कॉम्पोनेंट उसको दे देता हूँ और नेगेटिव डायरेक्शन में देता हूँ, तब अपने आप को रेस्ट पे मानता हूँ। अच्छा, मतलब रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इसके जैसे नेगेटिव हुआ। अगर आपको समझना है तो वैसा देखो ना, I will consider myself to be at rest, but is I am I at rest? The answer is no, right? Yes sir. तो वो उस तरीके से pseudo force को simple funda है, वो पीछे इसलिए लगता है क्योंकि यार मैच ही नहीं हो रहा था, तो eventually उसको कहते गए eventually कहा कि हाँ ठीक है हमेशा वैसा लगेगा। Okay, fine. आयुष बोलो। सर आपने जो बोला contact को right पर लगने वाला, वो कौन कैसे मालूम पड़े कौन से डायरेक्शन में लगेगा, वो नहीं समझ में आ रहा। अगर कोई पार्टिकल है और राइट में एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस वो ग्राउंड के कांटेक्ट में,
तो कौन सा फोर्स लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स. समझ में आ रही बात? राइट लेफ्ट में अगर जैसे ये पार्टिकल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी है ना, अब ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो कोई तो फोर्स लग रहा होगा पीछे, क्योंकि मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं. यस और नो? यस सर. तो पीछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा. समझ में आ रही है क्या बात? अगर ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, और अभी मैं इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है. सो व्हाट इज, ठीक है? यस सर. अब पूजा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कि सूडो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स के अपोजिट होता है. मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट फोर्स अपोजिट टू सूडो फोर्स. नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी इन डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स. आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप रेज हैंड कर सकते हो. बच्चे मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, मैंने कहा सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉन्टैक्ट फोर्स से कोई लेना देना नहीं है. ओके, मैं ये आखिरी समय, एक बच्चे को डाउट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्जर्वर ए ग्राउंड पर है, जो ऑब्जेक्ट है बी वो राइट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट है सी वो लेफ्ट में जा रहा है, सी विद रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट में जा रहा है, बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है, सी का विद रिस्पेक्ट टू बी 4 है. मास ऑफ सी दे रखा है 4 और जी की वैल्यू दे रखी है 10. अब हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालो बी और सी के बीच में. ओके, और पूछा गया है हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो बी और सी के बीच में, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा. ओके, और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन निकालो सी का विद रिस्पेक्ट टू ए, और हमसे पूछा गया है एफबीडी बनाओ सी का विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी. तो सबसे पहले, क्योंकि सी विद रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में और बी का एक्सेलरेशन राइट में, तो एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव और एक को नेगेटिव माना एक्सेलरेशन के लिए. तो मैंने राइट को अगर पॉजिटिव माना तो ए बी 10 आई कैप दे दिया, सी विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 4 आई कैप हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है. सी विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ए सी माइनस ए बी हो जाएगा. तो ए सी वैक्टर कितना होगा? ए बी राइट में ले जाऊंगा तो ए बी माइनस 4 आई कैप, तो 10 माइनस 4 6 आई कैप आ जाएगा. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब सी का विद रिस्पेक्ट टू ए एफ बी डी बनाएंगे, तो ए इज इनर्शियल फ्रेम, कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा. यहाँ पे इकलौता एक्सेलरेशन दिख रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ. तो दिस इज द ओनली एक्सेलरेशन, हेंस देयर हैज टू बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स आगे, नहीं तो वो आगे क्यों जाएगा? नीचे एमसीजी लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. एमसीजी की वैल्यू 40 न्यूटन होगी. वाई में एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो एन इक्वल टू 40 न्यूटन लिख देंगे वाई एक्सिस से. एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ नेट एक्स इज इक्वल टू एम इनटू ए एक्स, क्योंकि राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ नेट एक्स हैज टू बी इन राइट डायरेक्शन, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स कह दिया, जिसकी वैल्यू लिख देंगे एम इनटू ए एक्स विच इज 4 इनटू 624. बोलो थर. सर वो आपने जो सूडो फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए सर फर्स्ट एग्जांपल लिया था सर, वो लेफ्ट वाला, सर उसमें शायद से सर वो समझ नहीं आ रहा कि सर जब वो ग्राउंड पे रिस्पेक्ट में था ना, जब मैन बी और वो सर रेस्ट में था, तो सर उसको कैसे पता चला कि सूडो फोर्स लग रहा है, क्योंकि सर वो तो रेस्ट में है ना. ग्राउंड वाले ने तो लगाया नहीं सूडो फोर्स. ग्राउंड वाले ने कहा लगाया? यस सर, ए ए पे लगा. ए ने ए पे भी नहीं लगा भाई, ए ने लगाया. अच्छा, सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऑब्जर्वर पे थोड़ी लगता है. हां यस सर. आप हर चीज में यस भी कह दो फिर समझ में भी नहीं आता बच्चे. एक मिनट देखो, यहाँ पे ये है. यस सर. अब बी ने तो अपना एफबीडी बना दिया, बी के अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक्सेलरेट कर रहा है राइट. ए ने जब अपना एफबीडी बनाया तो मैच नहीं कर रहा, तो फिर ए ने अपने एफबीडी को चेंज किया, उसने क्या किया, सूडो फोर्स लगाया
ऑब्जेक्ट पर. अच्छा हाँ यस सर. ऑब्जेक्ट पे लगता है सूडो फोर्स. नोट्स कॉपी करे नहीं करे आपने सर? कर लिए सर. यही समझ नहीं आ रहा सर. ये एक पॉइंट सर पता नहीं अभी आया कि नहीं आया. हाँ ये सर अभी आ गया. थैंक यू सर. वेलकम. मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स बता रहा था. कॉन्टैक्ट फोर्स 24 न्यूटन आ गया. FBD of C with respect to B, B के respect में, B हमारा एक non-inertial frame है, क्योंकि B car है और car is accelerating. अगर car right में accelerate करेगा तो पीछे की तरफ pseudo force लगेगा जो मैंने यहाँ पे बता रखा है. यहाँ पे ये बता रखा है ठीक है. ऊपर normal reaction लगेगा, नीचे MCG लगेगा force 40 न्यूटन. Acceleration of C with respect to B 4 meter per second square लगेगा ठीक है. अब लेफ्ट या राइट में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा और मैंने राइट में मान लिया और मैंने पूछ लिया व्हाई इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट ठीक है. देखते हैं कहां लगेगा. तो उसका मैंने एक्सप्लेन किया. एफ नेट वाई कितना होता है? जीरो होता है. तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी ऊपर और नीचे के फोर्सेस. फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हाट आई कैन से एम सी इंटू ए बी की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगी लेफ्ट में ठीक है. सूडो फोर्स acceleration of C with respect to B is 4 meter per second square. तो F net X is MC into ACBX. तो यहाँ से मैंने सबसे पहले तो ये assume कर लिया कि horizontal force, contact force left में. Let's assume that. तो ये पीछे, ये भी पीछे और acceleration भी पीछे. तो F net X कितना होगा? FP plus F contact is equal to 4 into 4. FP की value 40 है, FC की value निकालनी है और ये 16 है. FC minus 24 आ गया. अगर वो negative आ गया तो इसका क्या मतलब है? हमने जो assumption लिया था वो गलत है. वो लेफ्ट में नहीं राइट में लगेगा. दैट्स द ओनली थिंग. वैल्यू उसका सेम रहेगा. यहां तक सबको क्लियर है? ओके सॉल्व करो क्वेश्चन. ओम गलत है आंसर. वीरती सही है आपका आंसर. चलो बच्चों, एक्सेलरेशन इज 5. फाइन. कैसे निकालेंगे? पहली चीज, व्हेनेवर सरफेस इज स्मूथ एंड फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बैक
ऑन बैकवर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन. पहली चीज तो मैं ये बता रहा हूँ पॉइंट नंबर वन कि जब भी पीछे से फोर्स लगाएंगे पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं होगा. इसमें किसी को डाउट पॉइंट नंबर वन में? दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे केस में हमेशा सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. किसी को डाउट है तो रेज हैंड करो. आई कैन सी फ्यू एक्सेलरेशन, मतलब फ्यू पीपल हैव रिटन एक्सेलरेशन डिफरेंट. उसका सिंपल रीजन ये है आगे वाले ऑब्जेक्ट 2 kg पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, आगे वाला ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स ही पीछे वाला लगा रहा है. अगर 2 kg ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर गया तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और कॉन्टैक्ट छूट गया तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगना बंद हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन बंद हो गया तो वो 2 kg एक्सेलरेट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि दैट्स द ओनली फोर्स बिकॉज ऑफ विच इट इज एक्सेलरेटिंग. नीचे तो सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन विक्शन तो है ही नहीं. और 4 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता 4 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा? 4 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो क्या 2 kg को तोड़ के आगे निकलेगा क्या? ओके, क्या ये बात समझ में आई? ओके, बोलो. जब स्मूथ बोला है तभी, स्मूथ बोला है तो नीचे कोई फ्रिक्शन विक्शन होता ही नहीं है. समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता तो आगे वाला ऑब्जेक्ट तो आगे जा ही नहीं सकता ना, वो तो पीछे के कॉन्टैक्ट की वजह से जा रहा है ना. तो देखो मैंने नीचे इंडिविजुअल एफबीडी बनाया है 2 kg पर, क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 4 kg की वजह से, और 4 kg पे पीछे की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो एफबीडी बनाते हैं 4 kg का, तो 2 kg लेफ्ट में पुश करेगा, नीचे 4g लगेगा ग्राउंड की वजह से, N4 लगेगा, और राइट में 30 N लगेगा. 2 kg पे राइट में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर ग्राउंड की वजह से N2 लगेगा, नीचे 2g लगेगा. समझ में आ रही बात? दिस इज द इंडिविजुअल एफबीडी. सिंपल कह दिया मैंने, A2 कांट बी ग्रेटर देन A4. अगर ऐसा हुआ तो A2 विल मूव अहेड, दस लूजिंग कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट लूज होते ही क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल वैनिश. हेंस नो हॉरिजॉन्टल फोर्स विल एक्ट ऑन 2 kg. हेंस A2 बिकम जीरो. जैसे A2 जीरो बनेगा अगेन पीछे से 4 kg तो एक्सेलरेट करता है, क्योंकि उस पर तो 30 N आपने लगाया था, तो वो आगे आएगा. वो आगे आएगा तो फिर वापस 4 kg के 4 kg एंड 2 kg विल कम इन कॉन्टैक्ट. तो ऐसे केस में वो दोनों क्या करेंगे? साथ में मूव करेंगे. ओके, साथ में मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 kg में आगे एक्सेलरेशन है तो एफ नेट वाई तो हो गया N4 - 4g = 0, तो N4 की वैल्यू होगी 40 N. और एक्स एक्सिस से लिख सकता हूँ एफ नेट एक्स इज इक्वल टू 4ax. तो 30 - n इज इक्वल टू 4a. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर N2 नीचे 2g, राइट में नॉर्मल रिएक्शन, राइट में एक्सेलरेशन. तो वाई एक्सिस से N2 - 2g कितना? 0. N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 N. एंड एक्स एक्सिस से एफ नेट इज इक्वल टू max, तो n इज इक्वल टू 2a. तो इक्वेशन 1 और 2 में n की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो 30 - n ऐड कर दिया, प्लस n इज इक्वल टू 4a + 2a. a की वैल्यू आ गई 5 m/s². समझ में आ रही बात? हाँ सर. और नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 2a, दैट इज 2 × 5 = 10 N. एक और मेथड होता है इसका, दैट मेथड इज फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन डायरेक्टली. डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. आप क्या करो, सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करो. सिस्टम का एफबीडी मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ में, मैंने सिंगल सिस्टम मान लिया. जब आपने साथ में सिंगल सिस्टम माना तो इसमें इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे. इंटरनल मतलब जो 4 kg 2 kg पे लगाएगा और 2 kg 4 kg पे लगाएगा, वो दोनों तो न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. हाँ, अब मेरा जो 4 kg 2 kg है वो पूरा ही सिस्टम हो गया. मतलब अब 4 kg और 2 kg मिलाकर एक सिस्टम है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस तो इंटरनल फोर्सेस है, तो उनको शो करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो कैंसिल हो जाएंगे एक्शन रिएक्शन लॉ से. 2 kg पे कैंसिल नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन, 4 kg पे नहीं होगा, बट 2 और 4 को साथ में मिला दूंगा तब तो कैंसिल हो ही जाएंगे. तो वही मैंने लिख रखा है, इन एफबीडी इंटरनल फोर्सेस आर नॉट शोन बिकॉज इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसिल्ड.
by action reaction law. For example, normal reaction between 4 kg and 2 kg is not shown. Normal reaction between 4 kg and 2 kg is not shown, as on system they will cancel out. So, ये दिख रहा है आपको, यहाँ नॉर्मल लगता है, यहाँ नॉर्मल लगता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे. अभी सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, एक्स एक्सिस में 30, और सिस्टम का मास कितना है 2+4. अब 2 नहीं बचा, 4 नहीं बचा, सिस्टम लिया दोनों साथ में, तो 2+4 तो 6, तो 30 = 6 है, ए की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई. बट अगर दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है 4 kg and 2 kg, देन वी हैव टू ड्रॉ इंडिविजुअल एफबीडी. बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके लिए इंडिविजुअल एफबीडी करना पड़ेगा. समझ में आई बात? वो मेथड वन वाला ना सर, वैसा टाइप करना ही पड़ेगा. समझ गया, समझ. फाइन, मैं म्यूट करूं? बिल्कुल करो. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. बोलो भाई. हेलो सर, इसके पहले वाले में वो कैलकुलेट कैसे किया, मतलब क्या वो पेज बताइए ना, क्या कैलकुलेट कैसे किया? ये MSYS में MSY क्यों लिया? MSY SYS सिस्टम है. अच्छा ऐसा, सॉरी. वाई में कोई मास होता है क्या? मास तो स्केलर है ना, वाई एक्स में थोड़ी होता है, टोटल होता है मास तो, राइट? वही देख के कंफ्यूज हो गया. कोई बात नहीं, लोअर योर हैंड. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. एक्सेलरेशन 5 m/s² ही आएगा. नॉर्मल रिएक्शन गलत लिखा है कृष्णा, दिया सही है. चलो डिस्कस करते हैं. तो जैसा अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करो, सिस्टम का एफबीडी बना दो. तो सिस्टम के एफबीडी में नीचे 4G लगेगा, 2G लगेगा, ये अर्थ ने लगाया, N4 लगेगा, ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स है, N2 लगेगा, ये भी ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, सिस्टम पे बाहर से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और ये 30 न्यूटन लग रहा है, दिस इज आल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स. तो अब लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो एफ नेट एक्स कितना होगा 30, एम सिस्टम 2+4, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में ए ले लिया, तो एक्सेलरेशन अभी भी 5 ही आया. और अब अगर मुझे आपस के नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल कोई सा भी एफबीडी बना दूंगा 2 kg and 4 kg का. Draw FBD of any. 4 kg का बनाया, तो accelerate कर रहा है left में, और normal reaction is the only left में लगने वाला force. क्योंकि 30 newton तो 2 kg पे लग रहा है, 4 kg पे नहीं लग रहा है वो. तो 2 और 4 के बीच में तो normal reaction होगा, तो F net X कितना N, और mass into AX, mass कितना है 4 into 5, 20.
आई क्या बात समझ में, किसी को कोई डाउट? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके सामने लिखा हुआ है. बोलो. तो बस एक सेकंड के लिए पीछे वाले पेज पे जाएंगे. हाँ सर. हाँ ठीक है. नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो. दोनों पे 16 ही आएगा. ओम. सर ये एफ नेट एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एक्स एक्सिस क्यों लिखा है? इनटू एक्स एक्सिस नहीं लिखा, एक्स एक्सिस इन एक्सिस. हाँ तो एक्स एक्सिस में लिख दो ना, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा ना कौन सा एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ. फोर्सेस, फोर्सेस का वेक्टर पॉइंट. ये तो कांटेक्ट फोर्स के लिए लिखते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स. अच्छा कांटेक्ट फोर्स के लिए लिखते हैं, और किसी के लिए नहीं लिखते? हाँ सर, बाकी फोर्सेस के लिए भी लिखते हैं. सबके लिए लिखते हैं फोर्सेस, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स को ही लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्स एक्सिस में फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा हाँ ओके सर. सही है आंसर साइली. ओम सही है. कृष्णा सही है आंसर, आयुष गलत है आपका. प्रियांश सही है, जनय गलत है. एट नहीं आएगा बच्चे. हर्ष एट गलत है. उत्कर्षा गलत है बच्चे. हाँ हर सभी सही है. अरिंजा गलत है. ओके डिस्कस करते हैं बच्चों. देखो इधर ये दे रखा है ना.
ये पॉइंट ए दे रखा है, ये एंगल 53 डिग्री दे रखा है, सॉरी 37 डिग्री दे रखा है लेफ्ट वाला, ये एंगल हमें 53 डिग्री दे रखा है और ये पॉइंट बी दे रखा है। फाइन, अब हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा एन ए परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये सेंटर से पास होकर जाएगा। सेंटर से क्यों पास होकर जाएगा? क्योंकि सेंटर से रेडियस इज परपेंडिकुलर। ओके, यहां पर सेम लॉजिक से इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एट बी। ओके, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और हमारा mg जो लगता है वो तो हमेशा ही नीचे लगता है, तो हमारा mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ, 10g which is 100 न्यूटन, करेक्ट। अब मैं एंगल्स को डिनोट करता हूं, देखते जाना। ये 37 डिग्री है तो ये भी हमारा 37 डिग्री होगा, और ये परपेंडिकुलर था, यहां पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री आ जाएगा। कैसे? दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों 37 हो जाएंगे। ये 37 है दोनों, तो ये वाला एंगल जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, दिस एंगल जिसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, ये एंगल हमारा 53 होगा, और ये 53 है तो ये रेड वाला एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। यूजिंग द सेम लॉजिक, यहां पे ये एंगल भी 53 होगा, ये 53 है तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। कैसे? ये जो ब्लैक वाला एंगल है यहाँ पे, ये 37 हो जाता। ओके, तो इसको मैंने अलग से डिनोट किया है एक नए फिगर में, वो नीचे दे रखा है फिगर, क्या नीचे लगाया? 10g, ये 37 डिग्री। ओके, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90, ये एंगल यहाँ पे ये 90, वर्टिकली ऑपोजिट से ये 57, वर्टिकली ऑपोजिट से 37 डिग्री, ये एन ए आ गया, ये एन बी आ गया, तो यहाँ पे टोटल एंगल हो गया 127 डिग्री, यहाँ पे टोटल एंगल हो गया 143 डिग्री। अब नाउ आई हैव मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट। मेथड वन, लामीज़ थ्योरम, क्योंकि रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा? फोर्स अपॉन ऑपोजिट एंगल, तो 10g अपॉन इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पर ये एंगल होगा 90 डिग्री, तो 10g अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू एन बी अपॉन ऑपोजिट एंगल, अगर हम देखेंगे तो साइन 143 डिग्री और एन ए अपॉन साइन 127 डिग्री, तो डायरेक्टली निकल जाएगी एन बी की वैल्यू बाय 3/5 इज 100, एन ए की वैल्यू बाय 4/5 इज अगेन 100, तो एन बी एन ए निकल गया। ओके, यहां से मेथड टू बता रखा है। फिर मैंने मेथड टू में क्या है, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, और इस फिगर से, पीछे वाले फिगर से, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल 53 डिग्री था जिसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री था, तो वही डिनोट कर रखा है। यहां पर ये एंगल 53 डिग्री बता दिया और ये एंगल 37 बता दिया, तो अब कॉम्पोनेंट निकाल लो। अगर यहाँ एन बी लग रहा है तो ऊपर लगेगा एन बी कॉस 53 और लेफ्ट में लगेगा एन बी साइन 53। सिमिलरली यहाँ एन ए लग रहा है तो ऊपर लगेगा एन ए कॉस 37 और राइट में लगेगा एन ए साइन 37 और नीचे लगेगा
10g क्योंकि रेस्ट पर है तो नेट फोर्सेज एंड वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 तो ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं nb cos 53 plus na cos 37 दोनों ऊपर लग रहे हैं माइनस 10g इज इक्वल टू 0 क्योंकि 10g नीचे लग रहा है तो 3nb by 5 plus 4na by 5 is equals to 100 ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और लेफ्ट और राइट मतलब x एक्सिस के फोर्सेस भी 0 हैं तो na sin 37 minus nb sin 53 is equal to 0 राइट में लग रहा है na sin 37 लेफ्ट में लग रहा है nb sin 53 तो 3na by 5 minus 4nb by 5 is equal to 0 तो na की वैल्यू आ गई 4nb by 3 इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में और सॉल्व कर लो समझ में आई बात यहां तक क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है इसको हवा में लटका रखा है विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस T1 एंड T2 यस सही आ रहा है T1 T2 की वैल्यू जो बच्चे दे रहे हैं अभी तक तो सही आ रहा है वीरती सही है रिंजय सही है स्पर्श गलत है हर्ष सही है हाँ सही है विदान डिवाइड मत करो आप तो बस उसमें दे दो आंसर फ्रैक्शन में चलेगा सही आ रहा है हर्ष सही है ओम सही है मनस सही है हिमांग गलत है आपका आंसर 3 इज नॉट द आंसर साइली सही है आदित्य गलत है हिमांग सही है नमीर सही है हाँ सही है हिमांग प्रियांश गलत है डिवाइड मत करो आदित्य आप तो डायरेक्ट आंसर दो गलत है वैसे आपका केवल सही है समनुत सही है चलो डिस्कस करते हैं
देखो यहाँ पे T2 लग रहा है और ये एंगल 37 है, तो इधर लगेगा T2 cos 37, ऊपर लगेगा T2 sin 37, लेफ्ट में लगेगा T1 क्योंकि लेफ्ट में एक स्ट्रिंग है और नीचे लगेगा 10G. ओके बोलो ध्रुव. सर वो नीचे वाला फोर्स क्यों लगेगा? हवा में लटका हुआ है ना. हवा में वो तो कांटेक्ट नहीं है ना. अच्छा तो कांटेक्ट होता है तब आपका वेट लग आपका एमजी लगता है, हवा में नहीं लगता एमजी. अच्छा कांटेक्ट फोर्स होता है एमजी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एमजी? हां सर सॉरी राइट. तो नीचे 10g लगेगा तो y के फोर्सेस क्योंकि f नेट 0 है तो y के फोर्सेस इक्वल होंगे आपस में. तो t2 sin 37 minus 10g equal to 0. t2 की वैल्यू निकाल लेना 500 by 3 होगी और क्योंकि लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल होंगे f नेट x 0 होगा तो t1 minus t2 cos 37 0 होगा. तो यहां से t1 की वैल्यू आ जाएगी 42 by 5, सॉल्व कर लेना 400 by 3 आ जाएगा. ओके नेक्स्ट सॉल्व करो. बोलो शुभम. आवाज नहीं आ रही बच्चे, वापस बोलो. सर 2 मिनट्स के लिए प्रीवियस स्टेज पे जाना. 2 मिनट के लिए? हाँ सर. क्या पूरा लिखना है? नहीं सर बस एक बार देख लो, आया नहीं. आप उस समय रेज हैंड कर दो, मैं आराम से वेट करूंगा, डोंट वरी. कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ लो. टी टू क्यों किधर लग रहा है, T1 किधर लग रहा है, समझ में आया? हाँ सर. राइट लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वेट किए हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, टॉप और बॉटम के फोर्सेस इक्वेट किए हैं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और वहां से एफ नेट वाई जीरो करा मतलब टॉप और बॉटम को इक्वेट करके T2 की वैल्यू निकाली, लेफ्ट और राइट को इक्वेट करके T2 से T1 निकाला. थैंक यू सर. वेलकम. रात सिर्फ क्वेश्चन कराने वाले हो क्या? नहीं यार, आज हमारे पास 10:30 बजे तक का लेक्चर है, मैं कराऊंगा पढ़ाऊंगा भी चीजें, डिपेंड्स कितना क्या टाइम बचता है. ओके लोअर योर हैंड. आई थिंक फिगर तो सबने बना ही लिया होगा. क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा काफी सारे. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी पढ़ा दूंगा. नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको. नहीं बच्चे आपका आंसर गलत आ रहा है. T4 250 by 3 है T4 और ये T2 हमारा 100 न्यूटन है और T1 मेरा 200 by 3 है. मनस सही है आपका आंसर.
लास्ट वन मिनट चलो बच्चों मैंने इनफ टाइम दिया सबसे पहले 5 kg का एफबीडी बना रहा हूं 5 kg पे लेफ्ट में लगेगा T1 4 ऊपर लगेगा T2 नीचे लगेगा 5G और T3 एंगल पे लगेगा एट एन एंगल ऑफ 37 degree तो यहां पर T3 cos 37 आएगा राइट साइड में नीचे आ जाएगा T3 sin 37 अब x एक्सिस के फोर्सेस इक्वेट करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी T3 cos 37 बिकॉज x में लेफ्ट में एक ही फोर्स है और राइट में एक ही फोर्स है इक्विलिब्रियम में तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल होंगे तो T1 comes out to be what 43 by 5 और similarly what I can write y-axis के forces को equate करेंगे तो y-axis में क्या है from y-axis upward force क्या है T2 नीचे क्या है 5g plus T3 sin 37 तो T2 की value आ गई 50 plus 3t3 by 5 this becomes my equation number 2 same logic में जब 10 kg पे लगाऊंगा तो 10 kg ये है angle पे T3 लग रहा है angle पे T4 लग रहा है तो ऊपर लग गया T4 cos 53 ऊपर लग गया T3 sin 37 लेफ्ट में लग गया T3 cos 37 राइट में लग गया T4 sin 53 और नीचे लग गया 10g बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा तो x एक्सिस से मैं क्या लिख सकता हूँ T3 cos 37 इज T4 sin 53 दोनों 4/5 कैंसिल हो जाएंगे तो T3 इक्वल टू T4 आ गया दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 3 और अब y एक्सिस में मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर T3 sin 37 है प्लस T3 cos 53 है T3 sin 37 ऊपर T3 cos 53 तो T3 sin 37 प्लस T4 cos 53 इज इक्वल टू 10g T4 की वैल्यू मैंने T3 लिखी फ्रॉम इक्वेशन 3 ओके ये लिख दिया इसको मैंने 3t3/5 लिख दिया ये भी 3t3/5 आ गया इक्वल टू 100 सो यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई 100 इंटू 5/6 250/3 आ जाएगा T4 भी वही आ जाएगा 250/3 T2 कितना है 5g प्लस 3t3/5 ये मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर है तो ये मैंने लिखा यहाँ से 1 second फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 T2 कितना आएगा 50 प्लस 3t3/5 T3 की वैल्यू डाली 250/3 तो T2 कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करोगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा और T1 मैंने लिखा है 4t3/5 इक्वेशन 1 से तो 4/5 into 250/3 सॉल्व करेंगे तो 200/3 आ जाएगा
कोई डाउट किसी को? ओके सॉल्व करो क्वेश्चन. करेक्ट है ओम अरिंजय. करेक्ट है. जहान गलत है. हर्ष गलत है. वीरति सही है. बच्चे मनस गलत है. फाइव नहीं आएगा, फिफ्टी आएगा. चलो ये तो सिंपल ही था, फटाफट खत्म करते हैं. देखो ए पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली लगेगा इधर, बी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और नीचे 5G लगेगा. सरफेस स्मूथ दे रखे हैं, ठीक है. एन भी ऊपर लग रहा है, 5G इधर 180, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दे रखा था. ये अगर एंगल मैंने थीटा लिया तो ये 180 माइनस थीटा. अब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, एन ए और एन ए के अपोजिट क्या आएगा, साइन 180. 5G के अपोजिट क्या आएगा, साइन थीटा. और एन बी के अपोजिट आएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू के. तो एन ए की वैल्यू कितनी आएगी, के साइन 180 दैट इज इक्वल टू जीरो. 5G कितना आएगा, k sin theta आएगा, which is equal to what, NB. तो NB की वैल्यू आ गई कितना, 50 न्यूटन. और मेथड टू ये है कि आप रिजॉल्व कर लो. मैंने यहाँ पे NA लिया, लेट्स से मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लिया, तो ये NA cos theta आ गया, नीचे NA sin theta आ गया. अब x एक्सिस में क्या है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो NA cos theta जीरो हो गया. तो NA की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई. फ्रॉम y एक्सिस NB प्लस 5G, सॉरी NB इक्वल टू 5G प्लस NA sin theta, NA की वैल्यू जीरो है, तो NB डायरेक्टली 5G आ गया. कोई डाउट किसी को? वेदांत गलत है आंसर, स्पर्श गलत है आंसर. आया समझ में बच्चों? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. बोलो यश. सर एक बार पीछे वाले पेज पे जाओ ना सर. ये NA cos theta is equals to zero क्यों आया? इक्विलिब्रियम में? हाँ सर. तो एक्सेलरेशन जीरो है? यस सर. तो नेट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो एक्स एक्सिस में. हाँ सर. हाँ समझा. थैंक यू. Ha!
बोलो केवल यस पुलिस आर मासलेस ऑलवेज पॉइंट बी एंड पॉइंट ए मुझे नहीं समझा फर्स्ट केस एंड सेकंड केस कह रहे हो आप ठीक है ओम का कड़ा आपका सही है हर्ष गलत है आपका वैल्यू बतानी है यश दुबे हर्ष गलत है आपका मनस सही है आंसर बोलो तमनुज सही आंसर आपका प्रणव ठीक सही आंसर ओके चलो डिस्कस करते हैं केस वन की बात करते हैं बच्चों केस वन पे जो मैन है नीचे लगेगा 60G ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और क्योंकि स्ट्रिंग डायरेक्टली नीचे है तो नीचे की तरफ लगेगा टेंशन वेइंग मशीन पे जो रीडिंग होगी वो N1 आएगा 5 kg का FBD बनाऊंगा तो ऊपर टेंशन और नीचे 5G तो 5 kg पे क्या होगा ऊपर टेंशन नीचे 5G तो T equals to 5G क्योंकि सिस्टम सब इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होंगे मैन के FBD से क्या लिख सकता हूं ऊपर N1 है और नीचे क्या क्या है 60G एंड T तो ऊपर N1 is equals to what 60G plus T तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 60G plus T की जगह 5G डाल दूंगा तो N1 की वैल्यू आ गई 65G रीडिंग हमारे N1 के इक्वल है तो दैट इज 6650 न्यूटन इसमें किसी को कोई डाउट रेज हैंड कर देना जहां भी डाउट हो ओके केस टू में देखते हैं मैन है मैन के ऊपर स्ट्रिंग है अब की बात क्योंकि पुली से आ रहा है तो टेंशन ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा 60G 5 kg पर स्ट्रिंग ऊपर है तो टेंशन ऊपर लगेगा 5G नीचे लगेगा तो अभी भी टेंशन की वैल्यू 5G आएगी मैन के एफबीडी से ऊपर कौन कौन से फोर्सेस टी प्लस N2 और नीचे कौन सा 60G तो टी की वैल्यू 5G डाल दी प्लस N2 इज इक्वल टू व्हाट 60G तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 55G क्या ये बात समझ में आई तो रीडिंग मेरा कितना आ गया 550 न्यूटन ओके यहां तक किसी को कोई डाउट यहां तक क्लियर है बच्चों ओके नेक्स्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे अब हाँ बोलो यश सर जो साइड फोर्स लार्जर है वो पॉजिटिवली है ना कुछ भी ले लो आप नीचे पॉजिटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी साइड लार्जर नहीं इक्विलिब्रियम में तो ऊपर और नीचे के इक्वली होने वाले ना लार्जर तो कुछ है ही नहीं ना ओके सर नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्या फंडा है जब तक कहा नहीं जाए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड जब तक कहा नहीं जाए वी विल ऑलवेज कंसिडर स्ट्रिंग टू बी इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस मासलेस कंसिडर करेंगे एंड इनएक्सटेंसिबल कंसिडर करेंगे मतलब खिंच नहीं सकती है ठीक है उसकी लेंथ फिक्स रहेगी और वो मासलेस रहेगा और अगर मासलेस है तो मासलेस मीन्स टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर हर जगह टेंशन सेम रहेगा इनएक्सटेंसिबल का क्या फंडा है कि अगर मैंने पॉइंट वन को राइट में खींचा है एक्स डिस्टेंस से बाय डिस्टेंस एक्स वन
तो इनएक्सटेंसिबल है, तो पॉइंट टू ऑटोमेटिकली वो भी राइट में खिंचेगा, कितने से, सेम एक्स वन से ही. फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट टू एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, इनएक्सटेंसिबल है तो फिक्स्ड है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा क्योंकि लेंथ फिक्स है. ऐसा समझ सकते हो ये आपका स्केल है, स्केल जो आप यूज करते हो पेंसिल बॉक्स में. तो राइट एंड को अगर आपने x1 से खींचा तो लेफ्ट एंड ऑटोमेटिकली x1 से खींचेगा क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स होती है. कोई डाउट यहां तक? ये सब चीजें मैं आगे यूज करने वाला हूं. ओके okay. उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एज स्ट्रिंग इज टाइट हेंस इट्स लेंथ कांट इंक्रीज और डिक्रीज. दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. अगर x1 x2 इक्वल है तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी भी इक्वल होगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा क्योंकि v dx by dt होता है और एक्सेलरेशन dv by dt होता है. ओके तो यहाँ पे आता है एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट जिससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एंड आई विल मेक यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो कि टाइट स्ट्रिंग है, displacement comma velocity comma acceleration is same at all points for any inextensible string. जो string extend नहीं कर सकती उस string में, string के direction में velocity same रहेगा, acceleration same रहेगा, displacement same रहेगा क्योंकि वो extend नहीं कर सकती, नहीं तो string की length बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. इसमें किसी को कोई doubt? ओके करो कैलकुलेट. एग्जाम्पल वन, आप रेज हैंड करो ना बच्चों. आप मैसेज लिखने से पहले मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, आरिफ प्लीज नेक्स्ट टाइम से रेज हैंड करो मैसेज पढ़वाना है तो. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा सारे पॉइंट्स पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि अगर सेम नहीं रहता तो उससे क्या होता, लेंथ बढ़ जाता या लेंथ कम हो जाता, जैसे कि यहां पर दिख रहे हैं पॉइंट वन एंड टू. तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वन और टू का सेम ही एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, सेम ही वेलोसिटी होनी पड़ेगी, सेम ही डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, नहीं तो लेंथ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में. स्ट्रिंग का कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. आई बात समझ में? ओके करो क्वेश्चन सॉल्व. हाँ बच्चे, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आएगा. ओम सही है. चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. V5 कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी सेम होगा. क्यों? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, दो एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग है. तो ए क्योंकि 2 केजी से कनेक्टेड है, ऐसा मान सकते हो कि ये लेफ्ट ईयर है, ये हमारा सर है और ये हमारा लेफ्ट वाला कान है. तो लेफ्ट वाला कान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है, और ये लेफ्ट वाला कान किसी और ऑब्जेक्ट के राइट वाले ईयर के साथ कनेक्टेड है विद अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो इसमें लेंथ तो बढ़ नहीं सकता, तो ए और बी की वेलोसिटी सेम होगी, और ए और बी की सेम होगी तो बी की जो होगी वो 5 के जी की होगी. तो वी ए वी टू के इक्वल है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, और वी बी वी फाइव के इक्वल है. तो यहाँ से वी टू वी फाइव इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे 3 के जी ऑब्जेक्ट है लटका हुआ है,
यहाँ पे मास m है, ये नीचे जा रहा है 2 m/s² से, हमें एक्सेलरेशन ऑफ m पूछा गया है. अगेन यूजिंग द सेम लॉजिक, बोलो ध्रुव. सर मास का इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लोअर योर हैंड. यहाँ पे 3 kg 2 m/s² से जा रहा है, तो m kg को भी 2 m/s² से ही जाना पड़ेगा. क्यों? नहीं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ जाएगा. ये मैंने बता रखा है a3 = a2 दैट इज 2 m/s², तो am ab के इक्वल है और ab aa के इक्वल है, तो am की वैल्यू a3 के इक्वल हो जाएगी, दैट इज 2 m/s². यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी सेम होगी. पॉइंट ए जाएगा नीचे, पॉइंट बी जाएगा ऐसे. आई बात समझ में? ओके. फिगर आउट करना है v3 की वैल्यू एट दिस इंस्टेंस. केवल सही है आंसर आपका, जनय सही है, वेदांत गलत है.
लास्ट 30 सेकंड्स फिर करते हैं डिस्कस. हाँ बच्चे, जो रबर बैंड वाला है उसे स्ट्रिंग फोर्स कहते हैं. स्ट्रिंग मतलब जो इलास्टिक फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स को मैं स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर करूंगा, पढ़ाऊंगा वो मैं स्प्रिंग फोर्स आगे. ओके फाइन. कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो, मैं माइक ऑन करता हूँ. हाँ बोलो बच्चे. 244 यश. यस सर. मैंने आपको क्या बताया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, है ना? तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का डायरेक्शन ये है. हाँ सर. अगर एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे आएगा. यस सर. करेक्ट. अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 37 है, तो ये भी एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री. 37 डिग्री है सर. तो ये डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? V3 cos 37. राइट. और अगर ये 53 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 53 डिग्री. 53 डिग्री. राइट. तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 20 cos 53. इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड. तो अब मैं क्या देख सकता हूँ? V3 cos 37 is equals to V2 cos 53. अगर मैंने इसको नाम V2 दिया है तो. Yes sir. Correct. तो यहाँ पे V3 into 4/5 is 20 into 3/5. तो कितनी आगे V3 की वैल्यू? 15 आगे. है ना? यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, इसको एज इट इज छोड़ दो. 3/5 से मल्टीप्लाई कराया ना तो 12 आता वो. ओके आया? yes, क्या sir. समझ में? yes, the concept remain same, कि along the direction of string velocity is same. ओके yes, sir. हर्ष कुछ बोलना है बच्चे? सर वो मास के इंडिपेंडेंट रहेगा. मास से कोई लेना देना ही नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्ट्रिंग है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रखना पड़ेगा. अगर नहीं रखेंगे तो ऐसा सोचो कि आपके सामने जो पेन पड़ा हुआ है, वो पेन का अगर मैं टिप को आगे वी वेलोसिटी से खींचूंगा तो जो बैक है वो कितने से जाएगा? वी वेलोसिटी से जाएगा, नहीं तो वेलोसिटी लेंथ बढ़ जाएगी. हाँ सर. राइट. ओके लोअर योर हैंड. हाँ सर समझा. लोअर योर हैंड. अर्थम क्या लिखा है? सर व्हेन यू हैड टोल्ड अस अनलेस स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल दैट मींस नो इलास्टिसिटी. राइट. यस दैट इज. अगर वो एक्सटेंड करता है तो या तो ब्रेक कर जाएगा. ठीक है सर. व्हेन यू टोल्ड अस. हाँ ठीक है, वो ब्रेक कर जाएगा. एंड इफ इट एक्सटेंड इट मे ब्रेक. यस इट विल ब्रेक. एक्सटेंड नहीं हो सकता, ब्रेक करेगा. ओके गुड अर्थम. एटलीस्ट आप रेज हैंड कर रहे हो मैसेज लिखने से पहले. फाइन लोअर योर हैंड. अब मैं पुली सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. सिंपल पुली सिस्टम में क्या होता है? पुली इज ऑलवेज कंसिडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. जब तक कहा नहीं जाए तब तक पुली को हम हमेशा मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो आपकी जो स्ट्रिंग जाएगी वो उसके ऊपर ऐसे घूम के जाएगी और ऐसे जा सकती है. दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. और बीच में पुली है. तो इसका क्या फंडा है? फंडा ये है कि अगर स्ट्रिंग एक एंड से ऊपर गई तो दूसरे एंड से नीचे आएगी. ये क्या करेगी? स्ट्रिंग
स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, स्लाइड करेगी, आपका जो पुली है वो रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रिंग स्लाइड करेगी. इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउन देन स्ट्रिंग विल स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन पुली. ये कब होता है? इन केस ऑफ स्मूथ पुली. रोटेशन चैप्टर से पहले हमारे सारे केसेस में पुली क्या होगा? स्मूथ ही होगा. और क्योंकि स्मूथ है तो इट विल नॉट रोटेट एज देयर इज नो फ्रिक्शन. यहां तक कोई डाउट? सही लिखा है ना? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है? हेमंग आपने कुछ बोला था डाउट, एरर लिखा है 4/5. नहीं, सही है. यहां तक क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट. क्वेश्चंस करोगे या पढ़ा दूं? ज्यादा तो नहीं हो गया है? सोच रहा हूं यार ज्यादा नहीं हो जाए. क्वेश्चंस करा देता हूं यार थोड़े से. मुझे लगता है क्वेश्चन करोगे तो ठीक रहेगा. अभी जो पढ़ा है एटलीस्ट उस पर क्वेश्चन कर लोगे ना तो सही रहेगा. मैं क्वेश्चंस कराता हूं पहले यार थोड़े से. जस्ट अ मिनट. मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया है बच्चों, उसमें 10 से लेके 20 तक सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट नाउ आई पोस्टेड एन असाइनमेंट. क्लास बच्चे में 10:30 तक है, 10:15 10:30 के बीच में कभी छोड़ दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कितना क्या हुआ है. मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया है जस्ट नाउ, राइट नाउ आप लोगों को उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है. आई रिपीट, क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करना है. टेन टू 20 सॉल्व करना बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है. बोलो यश, कुछ बोलना है बच्चे? यश 244. तो वो कॉन्सेप्ट आपने सिखाया था ना, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. वो आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा? कौन सा छोटा सा? कौन सा? ये इसके बाद सिखाया आपने, सम कराने के बाद.
मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, ये वाला मैंने कुछ, मैंने बस ये बताया पुली हमारा मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है, तो स्ट्रिंग हमेशा उस पे स्लाइड करेगा, रोटेट नहीं करेगा, समझ में आई बात? हाँ ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। ये सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। इनफैक्ट आपको 10, 11, 12 नहीं सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 19 तक 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके? उनका डिस्कशन करेंगे। ट्वेंटी फाइव मिनट्स हैं आपके पास।
अलग अलग स्ट्रिंग्स में अलग अलग होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप सॉल्व करो खुद से. जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो बच्चे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ सोच के दिया है मैंने असाइनमेंट, मैंने इनफ पढ़ा दिया, ट्राई तो करो, फाइट तो मारो. मैं करूंगा अभी डिस्कस 9:50 9:55 के बाद.
जो भी नहीं आता छोड़ दो ना बच्चों, सब डिस्कस करेंगे। आपका टाइम लिमिटेड है, आप लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर आप बाद में रोते रहते हो सर अटेम्प्ट नहीं होते, चार क्वेश्चन हुए हैं। जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो। अरे तो क्वेश्चन तो करोगे ना यार धर्मित, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, फाइट तो मारो। फाइव मिनट्स के बाद मैं डिस्कशन करूंगा।
थोड़ा और टाइम दो, तीन ही क्वेश्चन हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है 20 मिनट में तीन क्वेश्चन करोगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. आई कैन मैक्सिमम गिव यू 5 मिनट्स. मैं 9:55 पे डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा. आइडियली मतलब आपको 25 से 30 मिनट लगने चाहिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. जो भी नहीं हुआ छोड़ दो बच्चों. करें बच्चों डिस्कस, अटेम्प्ट हो गए. करें क्या बच्चों? ओके फाइन.
क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट है? रेज हैंड करो. हैंड अप, माइक ऑन करो. यस सर. ये अभी तो कराया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ 25 केजी रेज्ड बाय 50 केजी मैन इन टू डिफरेंट वेज. व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन टू केसेस? इफ द फ्लोर यील्ड्स to a normal of 700 newton, which mode the man should adopt? तो सिंपल है यार, ये तो अभी कराया था ना हमने कि केस ए की अगर मैं बात करूंगा तो मैन पे खुद का एक वेट लगेगा. यस सर. 50 जी ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक नीचे लगेगा टेंशन और 25 के जी ब्लॉक. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इज इक्वल टू T plus 50 G from Y axis, right? Let this be my equation number one, है ना. अब मैं अगर 25 kg block का FBD बनाऊंगा तो ऊपर T लगेगा और नीचे क्या लगेगा? 25 G. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? T is equals to 25 G, correct? Let this be my question number. कर रहा है ना, acceleration भी तो लगना चाहिए ना. कहाँ lift करता है? उसने hold कर रखा है. Lift करता है तो वहाँ पे trying to lift है ना. Adopt to lift. Okay. तो यहाँ पे tension की value कितनी? 250. अगर acceleration zero भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. Constant velocity से भी तो कर सकता है. नहीं, मेरे को लगा वो object उसको lift कर रहा है तो मैं acceleration भी consider कर रहा था. From one and two, what I can write? N is equals to 25 g plus 50 g. कितना आ गया? 75 g आ गया. That is 750 newton. ये तो मेरा हो गया केस ए. और मैं अगर केस बी की बात करता हूँ तो ये मैन है, नीचे लगेगा 50 g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इस केस में टेंशन ऊपर लगेगा. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? T plus N dash is 50 G. और अगर मैं ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो नीचे लगेगा 25 G, ऊपर लगेगा T ब्लॉक के लिए. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? T is equals to what? 25 G. So this implies what I can write? 25 G plus N dash is equals to what? 50 g. ये मैंने t की वैल्यू डाल दी है तो यहाँ से n dash कितना आ गया? 25 g, which is 250 newton. आई क्या बात समझ में? Yes sir. Okay. तो कौन सा वाला केस है? सेकंड केस होगा क्योंकि पहले केस में तो 700 आ रहा है. तो the answer should be what? This one. क्योंकि वो 750 दे सकता है. किसी को कोई डाउट रेज हैंड कर देना. प्रियांश, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया. दैट्स व्हाई यू हैव लोड योर हैंड. फाइन. क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई डाउट? मितुल, क्या दे रखा है मितुल यहाँ पे क्वेश्चन 11 में? कंसिडर सिस्टम एज शोन इन फिगर. द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड बिटवीन 1 एंड 2 केजी. ठीक है मितुल, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यस सर. ओके. एफबीडी बनाए सबसे पहले. यस. सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग होता है. यस. yes. ये 2 केजी ऑब्जेक्ट ये भी 2 केजी ऑब्जेक्ट और ये 1 केजी ऑब्जेक्ट. फाइन. यहाँ पे टेंशन की वैल्यू डिनोट करते हैं. इस पे मैंने ले लिया टेंशन T1. तो यहाँ पे भी लगेगा T1.
नीचे का क्या कितना लगेगा, ये दूसरी स्ट्रिंग है तो यहाँ ले लिया मैंने T2 और यहाँ भी लगेगा T2 करेक्ट यस। और क्या लगेगा इस पे, नीचे लगेगा 2G, इस पे नीचे लगेगा 2G और इस पे नीचे लगेगा 1G। लेफ्ट और राइट में वेट इक्वल है क्या, लेफ्ट साइड में कितना वेट है टोटल? 2 किलोग्राम और राइट साइड में टोटल 3 kg। तो ऐसा लगता है क्या कि ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा ए से, तो ये पूरा नीचे एक्सेलरेट करेगा ए से? यस। सबका एक्सेलरेशन सेम होगा लेफ्ट और राइट वालों का, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है ये 2 kg और 2 kg के बीच में, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो नीचे 2 kg और 1 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। समझ में आई बात? राइट। तो ये मेरा FBD बन गया। तो सबसे पहले मैं 2 kg की बात करता हूँ, तो 2 kg के लिए लेफ्ट वाले 2 kg के लिए मुझे ऊपर दिख रहा है T1, मुझे दिख रहा है 2G और मुझे एक्सेलरेशन दिख रहा है A। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट वाई एम इंटू ए वाई, एफ नेट वाई होगा yes. देखते जाना, T-2G = 2A Yes or no? Yes. Let this be my equation number 1. फिर मैं दूसरे वाले 2 kg का FBD बनाऊंगा, तो ऊपर लगेगा T1, नीचे लगेगा T2, नीचे लगेगा 2G और नीचे लगेगा acceleration। तो अब मैं directly लिख दूं, नीचे accelerate करता है तो T2 + 2G - T1 = 2A। Yes. आई क्या बात समझ में? Yes. Let this be my equation number 2. अब मैं यहीं पर 1 kg का FBD बनाता हूँ। ऊपर क्या लग रहा है? T2. नीचे क्या लग रहा है? 1G. और नीचे क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1G - T2 = 1 × A। ये क्वेश्चन 3 हो गई, करेक्ट? यस। तो ऐड इक्वेशन 1, 2 और 3, 1, 2, 3 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, T1 - 2G + T2 + 2G - T1 करेक्ट प्लस यस प्लस 1G - T2 = what 5A 2A + 2A + A 1A यस राइट। ये T1 से ये T1 कैंसिल, ये T2 से ये T2 कैंसिल राइट, यहाँ पे ये 2G से ये 2G कैंसिल कैंसिल, तो मेरा क्या आएगा, LHS में तो G बचेगा, RHS में 5A बचेगा। तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, G by 5 2 meter per second व्हिच कैन बी रिटर्न 2 m/s² राइट यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 3 1G - T2 = 1A सो 10 - T2 = 2 यहां से T2 की वैल्यू आ गई 8 N यस। और इक्वेशन 1 से T1 - 2G = 2A T1 - 20 2 × 2 तो यहां से T1 की वैल्यू आ गई 4 24 सॉरी। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर।
बोलो भाई यश दुबे। सर वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि ए और मतलब वो 2 kg और 1 kg के बीच में दूसरा स्ट्रिंग है कि सेम, तो कैसे पता चलेगा सर? कैसे पता पड़ेगा? आप बताओ, ऊपर का अलग होगा नीचे का अलग होगा ही ना, रोल थोड़ी कर रखा है, रोल करते तो पुली लगाते ना। ऊपर वाला एंड अलग है, सर के ऊपर एंड अलग है, पांव के नीचे अलग है, तो स्ट्रिंग तो अलग अलग ही होगा ना। 2 kg मान लो आप हो, आप लटके हुए हो, तो आपका सर के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा रखा है, पांव के नीचे अलग लगा रखा है, तो सेम स्ट्रिंग थोड़ी हो सकता है। अच्छा हाँ हाँ सर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, डाउट है किसी को तो रेज हैंड कर देना। धर्मित माइक ऑन करो धर्मित। यस सर। क्या दिक्कत आती है, आप पहले परेशान हो जाते हो सर, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है सर, थोड़ा डर सा जाता हूं, पता नहीं। जेई क्लियर करनी, मजाक करना, ऐसे नहीं होगा जेई क्लियर अगर इतना डरोगे तो। क्वेश्चन ये 10th क्लास थोड़ी है कि 2+3 आया तो सर सब क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे, कोई बात नहीं, सीखो, फाइट मारो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? द सिस्टम शोन इन फिगर 6.96 इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग and the force exerted by the string on the pulleys, assuming pulley and strings to be massless. सबसे पहले दिमाग लगाओ, लेफ्ट साइड में कितना वेट है? 2 kg। राइट साइड में कितना वेट है? 1 kg। तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा। यस सर। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। यस सर। और वो उधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। हाँ। सबका एक्सेलरेशन सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग तो एलोंगेट हो नहीं सकता, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम आएगा। इसका सेम है तो इसका भी सेम आएगा क्योंकि 3 kg का साइज तो बढ़ेगा नहीं। इधर का सेम है तो इधर का सेम है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ सर। राइट, तो एफबीडी बनाते हैं। अगर एफबीडी बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने ऊपर टेंशन T1 लिया, नीचे क्या लगेगा? Mg, 2g, 2g, राइट? यस सर। इधर आएगा T1, इधर आएगा कुछ T2, ऊपर आएगा T2 क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई तो T2, और नीचे आएगा 1 kg, सॉरी, इसमें नीचे आएगा 3g और ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? यस सर। तो अब अपन इंडिविजुअल FBD बनाएंगे 2 kg का, तो व्हाट आई कैन राइट, ऊपर T1, नीचे 2g एंड नीचे एक्सेलरेशन a, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। यस सर। 3 kg का बनाता हूँ, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, और क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है किधर, लेफ्ट में A से, नीचे लग रहा है 3g और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हाट आई कैन राइट, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2, और यही चीज हम 1 kg के लिए करेंगे, नीचे क्या 1g, ऊपर क्या T2 और ऊपर क्या एक्सेलरेशन, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, करेक्ट, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3, 1+2+3 करा दूं। सो
वन प्लस टू प्लस थ्री कराते ही आ जाएगा आपका आंसर? हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है फिर? टू जी माइनस टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू माइनस वन जी टू ए प्लस थ्री ए प्लस ए, तो जी इज इक्वल टू वॉट? सिक्स ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई जी बाय सिक्स, फाइव बाय थ्री आ गया। तो आगे सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। सॉल्व फॉर टी वन एंड टी टू। थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रियांश आपने रेज हैंड किया है। 12th क्वेश्चन में फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग्स ऑन द पुली, तो वो तो टेंशन ही हो जाएगा ना। वेरी गुड, चलो। नहीं नहीं सही कह रहे हो। तो बेसिकली पुली, इसको नाम मैं दे देता हूं पी वन और उसको नाम दे देता हूं पी टू। अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली पूछा है तो सॉल्व फॉर टी वन एंड टी टू, तो अपन निकाल भी लेते हैं, टी वन टी टू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो टी वन कम्स आउट टू बी, एक मिनट रुक जाओ क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी ना। एक्सेलरेशन कितना निकाला मैंने? 5 बाय 3 निकाला ना, सो ये 10 बाय 3 हो जाएगा। 20 माइनस 10 बाय 3 इज 50 बाय 3। 7 जी बाय 6 आते हैं और टी टू 5 जी बाय 3 आते हैं। नहीं मेरे केस में दूसरा, मैंने टी वन टू टू आ रहा है 60, ठीक है। और टी टू आ रहा है हमारा, यहाँ से निकाल लेंगे अगर हम, 5 बाय 3 है ना, 5 बाय 3 प्लस 10 तो 35 बाय 3 आ रहा है। सही है ना बच्चों? राइट। अब एफ बी डी ऑफ पुली पी वन, पी वन का एफ बी डी बनाएंगे, पी वन का एफ बी डी बनाएंगे। तो स्ट्रिंग पुली पर कहां लग रहा है? इधर है स्ट्रिंग नीचे, और इस पे किधर है? इधर है। इधर क्या लगेगा? टी वन लगेगा। इधर क्या लगेगा? टी वन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्ट्रिंग इसको भी खींचेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी? 50 बाय 3, और इसकी वैल्यू कितनी? 50 बाय 3। तो अगर कोई मुझसे नेट फोर्स पूछेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेट, एफ नेट ऑन पुली। सॉल्व कर लेना, अंडर रूट टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, सॉरी टी वन स्क्वायर, तो टी वन रूट टू आ जाएगा, दैट इज 50 रूट टू बाय 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वेक्टर का यूज किया। और यही चीज कोई मुझसे पुली पी टू के लिए पूछता तो एफ बी डी ऑफ पुली पी टू यहां हमारा लगेगा टी टू और यहां मेरा नीचे लगेगा टी टू, तो एफ नेट इस केस में क्या आएगा? जाएगा एफ नेट अंडर रूट टी टू स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी टी टू रूट टू, दैट इज 35 रूट टू बाय 3। आया समझ में? राइट। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को कोई डाउट? यू हैव टू रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। 12 जैसा ही है, सॉल्व करना, ठीक है? किसी ने रेज हैंड नहीं किया तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट? ओके। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? सर 13 वाला आप सॉल्व मत करो बस, मतलब इसके पहले वाले जैसा ही उतना ही पूछना था। एग्जैक्टली ठीक है। 14 में डाउट है था? यस सर।
अच्छा क्वेश्चन है 14, क्या दे रखा है? Two monkeys of mass 10 kg and 8 kg are moving along a vertical rope as shown in figure. The former climbing up with an acceleration of 2 meter per second square, while the latter coming down with a uniform velocity. Later वाले की uniform velocity है, ऊपर वाले की acceleration दे रखा है, ठीक है? अब आपसे पूछा गया, find tension in the string at the fixed support. Okay. ये पूछा गया है, फाइन. तो इसका एफबीडी अपन बनाते हैं बच्चों. ब्लैक दूसरे सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, दो मेथड है. मेथड वन, सिस्टम मान लेते हैं इनको, ठीक है? यूजिंग बोथ मंकीज एज वन सिस्टम, दोनों मंकी मिला के एक सिस्टम है, ठीक है? तो उसमें मुझे क्या दिख रहा है, मंकी वन ऊपर जा रहा है 2 meter per second square से, ए वन है. मंकी टू नीचे जा रहा है, वी टू इक्वल्स टू 2 meter per second, और ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट होने का मतलब इम्प्लाइज क्या, हमारा जो ए टू होगा वो जीरो होगा, करेक्ट? Yes, sir. है ना? इसका मास कितना है, इसका मास 10 kg है, तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, इस पे नीचे लगेगा 10g, इस पे नीचे लगेगा 8g, और ऊपर सिस्टम पे यहाँ पे T1 और यहाँ पे T, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर मैं M1 प्लस M2 बनाता हूँ तो यहां लग रहा है, क्या कहते हैं, 10g, ठीक है? Yes, sir. M2 पे लग रहा है 8g, ऊपर लग रहा है T, और A1 दे रखा है मुझे 2 upwards. So this implies Fnet system, M system into A system, right? Yes, F net system हो जाएगा T minus 10G minus 8G. M system को लिख सकता हूँ M1 A1 plus M2 A2, right? Yes, sir. A2 की value तो 0 है, तो T minus 18G, M1 कितना है 10, A1 कितना है 2, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन आ गया. Yes, sir. ये मेरा हो गया आंसर. आई बात समझ में? Yes, sir. इसका मेथड टू समझाता हूँ क्योंकि उससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी सिस्टम समझने के लिए. तो मेथड टू, यहाँ 10 kg है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 2 meter per second square से, एक्सेलरेशन A1, राइट? Yes, sir. अब इसने जो पकड़ रखा है, यहाँ पे पकड़ रखा है मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, राइट? हाँ, यस सर. अब यहाँ अगर सपोर्ट बन गया है तो ऊपर मैंने मान लिया टेंशन कितना आएगा, ऊपर ऊपर टेंशन आएगा हमारा T1. तो नीचे टेंशन कितना आएगा, T1.
राइट नीचे क्या लगेगा 10G यस सर ओके अब यहां पे दूसरा सपोर्ट है पकड़ रखा है दूसरे सपोर्ट से हाथ से 8KG तो नीचे क्या लग रहा है 8G ठीक है इसका A2 कितना है 0 बिकॉज V2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड डाउन एंड ये क्या है कॉन्स्टेंट है करेक्ट यस सर अब दो जनों ने पकड़ रखा है तो ऐसा हो गया दो अलग अलग पॉइंट्स हो गए तो यहाँ पे बीच में टेंशन अलग हो जाएगा इसके नीचे आप ऐसा समझ सकते हो कि नई स्ट्रिंग हो गई T2 और ये नई स्ट्रिंग हो गई T2 करेक्ट यस सर तो फ्रॉम 8KG मंकी व्हाट आई कैन राइट एफ नेट वाई एम इंटू ए वाई या आएगा T2 - 8G इक्वल टू 8A2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0 तो यहां से T2 की वैल्यू आ गई 8G दिस इज द टेंशन बिटवीन मंकी एंड बोथ द मंकीज दिस इज टेंशन बिटवीन बोथ द मंकीज क्या ये बात समझ में आई यस सर समझ आई अब मैं 10KG का FBD बनाता हूं बनाओगे तो नीचे T2 लगेगा नीचे 10G लगेगा ऊपर T1 लगेगा राइट एंड ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा A1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो एज एफ नेट वाई एम इंटू ए वाई एफ नेट वाई कितना आएगा T1 - T2 - 10G इज इक्वल टू 10 × 2 और T2 की वैल्यू कितनी है 8G है तो यहां से T1 आ गया 200 N दैट्स द आंसर आया समझ में यस सर थैंक यू सर वेलकम हाँ यश सर इसमें वो तो एक ही स्ट्रिंग पे दोनों है ना मंकी तो आपने T1 T2 अलग अलग क्यों लिया है अरे आपने पकड़ लिया ना तो आपके पकड़ने के बाद एक सपोर्ट बन गया वो राइट अच्छा तो फर्स्ट मंकी जो था 10KG वाला वो सपोर्ट बन गया हाँ सपोर्ट बन गया मतलब उसने अपने हाथ से पकड़ लिया इमेजिन करो ना आपने रस्सी पकड़ रखी है तो आपने जो रस्सी पकड़ रखी है और आपके नीचे किसी और ने रस्सी पकड़ रखी है तो उनपे अलग अलग टेंशन हो सकता है यू कैन ट्रीट जो बीच वाली स्ट्रिंग है जो मैं यहाँ पे मार्क किया है दिस एज अ डिफरेंट स्ट्रिंग क्योंकि टेंशन अलग होगा इसके लिए दिस एज अ डिफरेंट स्ट्रिंग एंड दिस एज अ डिफरेंट स्ट्रिंग ये तीन अलग अलग स्ट्रिंग ले सकते हैं ठीक है ओके सर टेंशन डिफरेंट है इसके लिए ना हाँ टेंशन डिफरेंट ओके सर थैंक यू क्वेश्चन नंबर 15 केवल आपको डाउट है हाँ सर डाउट है नहीं जम रहा हूँ करने को कौन सा 15 हाँ 15 बच्चे आपका माइक ऑफ कर लो आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस है आप यस और नो रिप्लाई करते रहना ओके सर बच्चे माइक ऑफ करो प्लीज क्या दे रखा है 15 में होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ एल is acted upon by two forces F1 and F2 applied at its end and directed in opposite direction. With what force F will the rod be stressed at the cross section L? छोड़ दो यार इसको अभी छोड़ दो मैंने देखा नहीं Leave this question. ये elastic force का ऊपर question है तो यार वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ ये हम करेंगे
इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस वगैरह करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दो अभी, लीव दिस राइट नाउ, इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, किसी को डाउट नहीं है। 17, 18, 19, 19th वाले में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है द ब्लॉक ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एट व्हाट एक्सेलरेशन विद विच शुड अ बॉय ऑफ मास स्मॉल एम क्लाइम द रोप of negligible mass so as to lift the block from the floor. Okay. तो सबसे पहले अपन FBD बनाते हैं। इसको मैं M1 ले रहा हूँ, नहीं तो वो हमें confusion होगा unnecessary, ठीक है? Yes sir. यहाँ पे मैन दे रखा है, उसका मास मैंने M2 लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है इसको। हाँ, लिफ्ट करना है तो सबसे पहले इनका FBD बनाते हैं। FBD बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, M1G। यस सर। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, राइट? हाँ, है ना। इनिशियली तो ये लगेगा, इस पे नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा टेंशन T, इस पे नो नॉर्मल रिएक्शन। व्हाई सर? एज मैन इज क्लाइंबिंग अप। Okay. समझ में आ रही बात, तो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। हाँ। अब अगर इसका एक्सेलरेशन मैंने क्या लिया, A ले लिया ऊपर। Yes, sir. ठीक है? Yes. क्या एक्सेलरेशन लिया हमने? A एक्सेलरेशन ले लिया। हाँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैन ऊपर चढ़ेगा तो ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ब्लॉक पर। वो तो सर दोनों के मास पे डिपेंड करता है ना? नहीं, किसका ग्रेटर? मैं नहीं, इम्पोर्टेंट चीज है ना यहाँ पर बच्चे, क्या सर मतलब अगर... हमें क्या करना है, सुनना देखो, हमें लिफ्ट करना है। हाँ, लिफ्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ टू लिफ्ट द ब्लॉक या टू लिफ्ट या व्हेन ब्लॉक इज लिफ्टेड, इनफैक्ट उल्टा लिखना चाहिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ व्हेन ब्लॉक इज लिफ्टेड एन बिकम्स जीरो यस सर एज कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, है ना, एन बिकम जीरो तो लिफ्ट करने के लिए, तो दिस इंप्लाइज M1 में अगर हम देखेंगे यहाँ टेंशन T लगेगा और यहाँ M1G लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T must be just greater than equal to M1G yes, sir. for lifting. Equal to भी मानूंगा तो जस्ट ऊपर उठा हुआ है, क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, यहाँ तक सॉर्टेड है, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरी साइड, तो दूसरी साइड क्या है, अब जो मैन है उसका मास M2 लग रहा है नीचे। हाँ, राइट, तो अब यही चीज मैं इसका बना रहा हूं फॉर
मैन, नीचे लग रहा है एम टू जी, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, और ऊपर मैंने क्या मान लिया एक्सेलरेशन. सो टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू व्हाट, एम टू ए. यस सर. ऊपर वाली को मैंने इक्वेशन वन लिखा, नीचे वाली को मैंने इक्वेशन टू लिखा, ठीक है. तो फ्रॉम वन एंड टू, या फ्रॉम वन एंड टू मत करो ना, एड वन एंड टू कर दो डायरेक्टली. एड वन एंड टू, तो टी प्लस सर टी माइनस आया ना. हाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रुको उल्टा लिख दिया यार. यस डायरेक्ट लिख देते ना, सब्स्टिट्यूट टी फ्रॉम वन इनटू टू, तो डायरेक्टली क्या आएगा, एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू व्हाट, एम टू ए. तो दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आएगी, एम वन बाय एम टू माइनस वन जी, ये आ जाएगा. सर मुझे ये डाउट था कि मतलब अगर वेट में डिफरेंस रहेगा, सपोज वो आदमी, तो भी आदमी चढ़ तो सकता है ना, वेट में डिफरेंस है तो आपकी इंटरनल फोर्स से आप चढ़ तो सकते हो ना. आप कभी रस्सी लटकी भी है दीवार से, हाँ, और मतलब छत से, तो आप ऊपर चढ़ पाते हो नहीं चढ़ पाते हो? चढ़ तो पाते हैं सर, पर कैसे? वो हाँ कैसे, दीवार पे रस्सी है तो चढ़ सकते है ना सर? दीवार पे नहीं, ऊपर रूफ से लटकी भी है रस्सी, तो लोग उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ना अपनी खुद की पावर से. हाँ तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पर. सर मैं बोल रहा था कि वो जो नॉर्मल फोर्स है, वो कांटेक्ट जो टूटेगा वो कितने टाइम के बाद टूटेगा वो मैटर नहीं करेगा. कोई जिस टाइम पे टूटेगा उस टाइम पे आप स्टार्ट कर देना मोशन. ओके, हमें क्या लेना देना, हमने तो एक्सेलरेट करवा दिया ना. हाँ राइट. यस सर, थैंक यू. प्रियांश बोलो. सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना. हम्म, सर ग्रेटर देन होएगा ना, इक्वल टू होएगा तो दोनों मतलब जस्ट इन कांटेक्ट होंगे. सुनो मेरी बात, आप लोग हमेशा इस चीज पे कंफ्यूज होते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ काइनेमैटिक्स में भी. जस्ट हम इक्वल टू भी लेकर चलते हैं सॉल्व करने के लिए, हम हमेशा इक्वल टू लेकर सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम ऐसे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अगर इक्वल टू भी होगा ना तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी इस फिगर में. लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर को अगर आप देखोगे, अगर टी एम वन जी के इक्वल होगा तो भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा. नॉर्मल रिएक्शन जीरो है मतलब वो कांटेक्ट में तो नहीं है. नहीं समझ में आई बात, तो इसलिए इक्वल टू लेके सॉल्व किया. मतलब वो स्लाइटली भी ऊपर होएगा तो जस्ट अबव, जस्ट अबव व्हिच इज नॉट विजिबल प्रॉपर्ली विद नेकेड आई. आई बात समझ में? बोलो केवल. सर ये वाला नहीं समझा, स्टार्टिंग से बताओगे क्या? ये बिल्कुल बता देता हूँ. मैन को किस एक्सेलरेशन से जाना है कि ब्लॉक लिफ्ट हो जाए? Please keep on replying yes and no. Hello sir, आवाज आ रहा है मेरा? अब आ रहा है. Hello sir. Man को, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? I'm audible to you. Hello. हाँ केवल मुझे आपकी आवाज आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ ध्रुव बोलो. हाँ सर आवाज आ रही है. केवल आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आ रही है. मैन को किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना है कि ब्लॉक को लिफ्ट कर दे? तो अगर ब्लॉक लिफ्टेड नहीं है तो उसका एफबीडी बनाया, नीचे M1G लगेगा, नीचे से ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट? हाँ सर. मैन पे M2G लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा और वो एक्सेलरेट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा मैन पे क्योंकि वो ग्राउंड छोड़ देगा जब वो क्लाइम कर रहा है. तो सर ये नहीं समझा मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है. आप हवा में होगे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे से? नहीं नहीं लगेगा. क्लाइम करोगे तो हवा में जाना ही पड़ेगा ना? हाँ हाँ सर समझा. हो जाएगा आगे? हाँ सर हो जाएगा आगे का. ओके बच्चों ये असाइनमेंट सॉल्व कर लो, सैटरडे को डिस्कस कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लो सैटरडे तक.